और उनका शिष्य एक जंगल की कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु का बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु एक बहुत बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब वह ध्यान करने बैठते तो दो दो दिनों तक ध्यान ही करते रहते थे। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी कि वह ध्यान की अवस्था में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वह ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके एक उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ, तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर रहकर आ सकते हो। शिष्य ने खुशी से कहा, यह सच्चे गुरुवर? गुरु ने कहा, हाँ, मेरा पिछले कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन भी कर रहा था। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो अब जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन के सामने तक तुम्हें यहाँ वापस पहुँचना है। शिष्य ने हमें हिस्सा हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा, आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आश्रम का कोई भी काम हो उसे मेरे लिए छोड़ देना, मैं वापस आते ही उसे कर दूंगा। इसके बाद शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया। बिना यह देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का डर था। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक हिल था जहां लाखों चींटियां थी। उनमें से कुछ चींटियां लगातार हिल के अंदर जा रही थी और कुछ बाहर आ रही थी, जिसमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल लेती। यह सब देख उस शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा रहकर उन चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के हिल के पास तक पहुंच सकती है, जिसकी वजह से ये लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएंगी। यह सोच उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसने मिट्टी भरकर चींटियों के हिल के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। साथ ही उसने बड़ी कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन का बीत गए, उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो गुरु ने आश्रम में वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही अगले सुबह आश्रम के लिए निकलने के लिए सारी तैयारी कर ली थी। सुबह होते हुए आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वह शाम होने से पहले आश्रम वापस पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी। यहाँ गुरु आश्रम में बैठे बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वह इस बात से काफी दुखी थे कि वह मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्य को देख न सके। गुरु बैठे हुए थे, यह सब सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए, अरे ये तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को गले से लगा लिया, लेकिन वह इस बात से अचंभित थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक वो शिष्य जिंदा कैसे है। गुरु ने शिष्य से कहा, यहाँ तक जाने के बाद तुमने जो भी कुछ किया है मुझे बताओ। तब शिष्य ने चींटियों वाली कहानी गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझते देर न लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी, और उसके इसी कर्म का परिणाम है कि शिष्य को एक लम्हा और एक कुचाली पर जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुख से अनायास ही निकल गया कि कर्मा लौट कर जरूर आते हैं। शिष्य को गुरु की इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप अपने आश्रम के कामों में लग गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो इसे खुशी खुशी जीने का सबसे आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह ही जरूरी नहीं कि अच्छे कर्म हमारी उम्र को लंबा ही करेगी, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारी जिंदगी में आने वाले दुख और परेशानियों को कम जरूर कर देंगे। कर्मों का एक बहुत बड़ा साधारण सा सिद्धांत है कि हम जो भी कुछ करते हैं उसका कई गुना लौटकर हमारे पास ही आता है। फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे, दोनों ही कई गुना होकर हमारे पास आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए ये जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए, और ना ही सिर्फ इसी की जान बचाना ही अच्छा कर्म कहलाता है। किसी असहाय की छोटी सी मदद करना भी अच्छा कर्म है। किसी डिमोटिवेट इंसान को मोटिवेट करना भी अच्छा कर्म है। किसी दुख भरे इंसान को संतावना देना भी अच्छा कर्म है। कुल मिलाकर अगर हम किसी भी तरीके से किसी के दुखों को कम कर पाएं तो एक अच्छा कर्म है। और जैसे गलत कर्म करने से हमें बुरा लगता है और दुख भी होता है,
ठीक उसी तरह अच्छे कर्म करने से हमें सुख की अनुभूति भी होती है। इसलिए अगर हम जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दुख दर्दों को कम करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए और हम देखेंगे कि हमारी लाइफ अपने आप ही खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।